अफवाह पर बवाल। जी हां, सोशल मीडिया के जहां बहुत सारे फायदे हैं वहीं कुछ नुकसान भी है। जम्मू कश्मीर में कल कुछ ऐसा हुआ जब शरारती तत्वों ने पोलियो वैक्सीनेशन को लेकर अफवाह फैला दी कि पोलियो दवा पीने से एक बच्चे की मौत हो गई है। फिर क्या था, पूरे कश्मीर में अफरा तफरी मच गई। कहावत है कि झूठ के पांव नहीं होते, झूठ पर आधारित अफवाह चलती या दौड़ती नहीं, उड़ती है। कश्मीर घाटी में भी रविवार को ऐसी अफवाह उड़ी तो उड़ती ही चली गई। रविवार को कश्मीर में बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जा रही थी। इसी दरमियान सोशल मीडिया पर अफवाह फैली कि पोलियो ड्रॉप पीने से कुछ बच्चों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाह हवा की तरह पूरे कश्मीर में फैल गई, जिसके बाद जो हुआ उसको बयां करने के लिए पुलवामा के एक अस्पताल की तस्वीर काफी है। अफवाह को सच मानकर लोग आनन फानन में बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचने लगे, जिसकी वजह से अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। अभिभावकों को समझाने की स्वास्थ्य विभाग की सारी कोशिश नाकाफी साबित हो रही थी। अफरा तफरी और भय का माहौल ऐसा था कि शहर की सभी सड़कें और चौराहों पर जाम लग गया। प्रशासन का सारा इंतजाम फेल हो गया। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ स्थानीय प्रशासन लोगों से इन अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील करता रहा। मस्जिदों से भी ऐलान किया गया कि कहीं भी कोई मौत नहीं हुई है। कुछ शरारती तत्व जानबूझकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर झूठी बातें फैला रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी लोगों से इन अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर लिखा, हर किसी को इस तरह की अफवाहों को रोकने के लिए आगे आना चाहिए। जो कुछ भी वो कर सकते हैं उन्हें इस तरह की खलबली को रोकने के लिए करना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर सरकार से इन अफवाहों की रोकथाम के लिए हर मुमकिन कदम उठाने का निर्देश जारी किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर रोक कैसे लगे, इस पर कार्रवाई की सबसे सख्त जरूरत है। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर।